लाल रंग का? लाल रंग का क्या चाहिए? मतलब ये लाल रंग का कुशन दादी? अरे ना प्रितेश, सिया जी इंटाने के नाम से थारे पैरों में घुघरे बंध गए और बावड़ी होके घूम रही हो, इसी चक्कर में घुमा दिया थारा झुमका। अरे पर वो के पर अब तो टीवी में खबर भी आ गई है कि लाजो रानी चली सियाचिन और कुछ लोग मिठाई का डब्बा लेकर घर पे पहुंच गए हैं। मारा मिठाई का डब्बा मारे छोरे को सियाचिन में दे देना। ओहो, अपनी तानों की मशीन गन बंद करो और मारा झुमको ढूंढने में मारी मदद करो। हाँ। यही कहीं होगा। इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा, फिर पापा मुझे शाबाशी देंगे। लो, बोरा। अम्मो कोड़ो है, चल रहा दिख नहीं रहा। तभी मैं सोचूं कि थारे झुमके को ऐसे पांव कैसे निकल आए। बाहर घुमा है ना, मतलब पक्का चोरी हो गया होगा। ऐसा हो ही ना सके, मारी कॉलोनी में किसी की अठन्नी गुम जावे ना तो रुपया वापस करने को आवे ना। लाजो, पर आजकल जमाना खराब है, कब किसकी नियत बदल जाए कुछ पता नहीं चले। पक्का चोरी हो गया होगा। कोई नहीं है, चलो वहां जाकर देखते हैं। इस बार तो मैं साबित करके रहूंगा कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करता और लाल द्रव्य 070 घर वापस लेकर ही जाऊंगा और पापा भी मुझे शाबाशी देंगे। पीते रहो बेटा, पीते रहो। कीमती चीजें, पापा हमेशा कहते हैं कि इंसान अपना कीमती सामान और हाथ का मैल कपट में रखते हैं। और देखो ये सब चीजें तो उन्होंने बाहर रखी है। आप लोग तो जानते हो मेरा बेटा अब बता क्यों आया था यहाँ पे। नहीं, बोल। नहीं नहीं, वो तो पुलिस ही फट के मार मार के उगलवाएगी। भाई रवि फोन लगा। किसको? अर्जेंटीना के मुख्यमंत्री को। उसका नंबर मेरे पास नहीं है। दादी माँ, मैं बताऊ ये यहाँ क्यों आए थे।
सच्चाई मैं उगलवाता हूँ। ए प्रीतेश, तू जाके तेरा होमवर्क करना, कल तेरी परीक्षा है। पर हेमंत, तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा था? वो कीमती चीजें नीचे गिर गई थी तो बस मैं उन्हें उठा के कपट में रख रहा था। ओहो, देखो तो सेवा भावी घोटाला नरेश। अरे ऐसे किसी के घर में घुस के मदद कर दे। और बात तू क्या सवाल जवाब कर रही है, तू पुलिस को फोन लगा ना भाई। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ ऐसे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये यहाँ चोरी करने नहीं है। मैं तो यार लाल द्रव्य बेवकूफ, ऐसे कोई घुसता है दूसरों के घरों में? चलो। अरे एक मिनट, ये हेमंत यहाँ चोरी करने आया था कि नहीं ये तो पता करना ही पड़ेगा। दादी, ये चोरी करने ही आए थे। प्रीतेश, जाके तेरा होमवर्क कर वरना तुझे भी जेल में डाल दूंगी। प्रीतेश, अब तू बता, ये यहाँ से चोरी कर कर भाग रहा था? वो भाग तो नहीं रहे थे पर गहने हाथ में थे तो मुझे लगा कि वो। जाइए घोटाला परिवार, आप लोग जाइए। हाँ चल चल, जा तू भी पढ़ाई कर, जा मितेश जा। जा बेटा तू भी जा। बाबा, मेरा दिल कहता है कि हेमंत चोर नहीं हो सकता पर दिमाग शेरलॉक होल्मस। अब मैं किसकी बात सुनूं है बाबा? हाँ बा। अबे हे बाबा बोले तो हाँ बा नहीं, कहाँ बाबा बोले तो हाँ बा, कहाँ बाबा? हाँ बा। हाँ। हेमंत। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, 070 लाल द्रव्य जो है वो लाने की आइडिया हेमंत की बहुत कमाल की थी। मैं आज इतना खुश हूं कि क्या बताऊं, मतलब अपनी खुशी कैसे जताऊं, और ये खुशी जताने में मुझे कंपनी कौन देगा? वर्षा तुम दोगी? नहीं नहीं। ओ तो अब मुझे कौन कंपनी देगा? ओहो कोई नहीं है कंपनी देने को। पापा। हाँ क्या बेटा? मैं कंपनी दूँ आपको। अच्छा तू देगा? ओके तू दे कंपनी। क्या कर रहा है हेमंत? अरे हेमंत बस कर अब बस। लेकिन क्या फायदा, बस 070 अभी भी भट्ट फैमिली के अलमारी में। हेमंत भैया ये टाइम मस्ती करने का नहीं है। फॉर्मूला 070 वापस कैसे लाए अगर वो टूट गया तो? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस लाल द्रव्य को किसी कॉकरोच या कीड़े मकोड़ों ने खा लिया ना तो भट्ट परिवार में ऐसे इंसानी कीड़े मकोड़े घूमने लगेंगे। कहाँ बाबा? हाँ बाबा। कहाँ बाबा? हाँ बाबा। कहाँ बाबा? हाँ बाबा। कहाँ बाबा? हाँ बाबा। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। पापा मुझे एक और मस्त आइडिया आया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन आपको तो वो पहले वाला आइडिया बहुत पसंद आया था ना। पापा मैं गायब हो जाता हूँ और वो फॉर्मूला 070 वहां से ले आता हूँ। मुझे आता है गायब होना, ये देखिए। चंद्रमा छोड़ो, ये सर है ना उसको भी गायब करो और उसके साथ साथ तुम पूरे के पूरे गायब हो जाओ। और ये तो क्या क्या चल रही है यहाँ पे? सिचुएशन देखो कितनी सीरियस है और ये आता है चंद्रमा कर रहा है। रूम जाएगा तो फिर से करेगा। बेटा आज आज अपने बेटा घोटाला परिवार। ये सब क्या हो रहा है? हेमंत गायब कैसे हुआ और फिर वापस कैसे आया?
सच सच बताओ कौन हो तुम लोग? क्योंकि लॉजिकली तो कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सच सच बताओ। भैया कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम्हारे इस सुपर पावर के बारे में तो हम भूल ही गए थे। हाँ भैया, मेरे सुपर पावर के बारे में मुझे ही याद रखना चाहिए था। मैं अभी जाता हूँ और अपना फॉर्मूला 070 लेकर आता हूँ। प्लीज प्लीज एक मिनट। क्या हुआ? ये देखिए पानी की पीढ़ी है। क्यों, इसमें कुछ गिरा है? नहीं नहीं, मतलब थोड़ा और नीचे ना। आए, आए, चौकुड़ी, तूने मुझे डरा दिया। भावना आंटी अभी भी वही है। अरे बाप रे। बेटा तूने मुझे खिला खिला के ढोल जैसा बना दिया है। देख, अरे परसों तो बाजू वाली हैप्पी होम सोसाइटी है ना, वहाँ की लेडी ऑर्केस्ट्रा वाले मुझे उधार मांगने आए थे। कह रहे थे भावना बेन हमारा ढोल फट गया है, आप आलो ने। तो बाबू आपको गले में कैसे डालती? रॉन्ग नंबर, रख दे फोन और ये प्लेट भी रख दे बेटा जा। थोड़ा और लीजिए ना, देखिए ना इतनी सी सब्जी बची है, नहीं तो मैं भिखारी को भी नहीं दे सकती। इससे अच्छा आप लीजिए ना। डबोड़ होने के साथ साथ बोली तो है मेरी चाकुड़ी। कहा बाबा? अरे हाँ बा तो बोल वरना लोग क्या कहेंगे। हाँ बा। हाँ दे दे चल। कहीं उस भावना आंटी के सामने हमारी भावना आंटी गई तो भैरवी का तो ठीक है, लेकिन भद्रेश की सारी भावनाएं हिल जाएंगी। नहीं नहीं, एक काम करते, जब तक ये असली वाली भावना आंटी घर से बाहर नहीं निकलती तब तक सड़क प्रैक्टिस करते। ओके प्रैक्टिस? हाँ, औरत के रूप में जाने वाला है ये, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। बस भैया मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या? चलो चलो मैं दिखाती हूँ। हाँ। औरतें कैसे चलती हाँ। दिखाती हाँ। ओके 1 2 3 स्टार्ट। सुपर क्या? अरे ये भावना बहन है। हाँ। वो इंसानी एक्ट्रेस नहीं, कौन वो मोहम्मद कैफ? मोहम्मद कैफ नहीं, कतरीना कैफ। हाँ। शरद मैं दिखाती हूँ तुझे कतरीना कैफ कैसे चलती है। रेडी? क्या? अरे भावना आंटी ऐसे ऐसे करके जाएगी हाँ, वो भट्ट परिवार में तो बेहोश हो जाएंगे। अगर चेंज ही करना है ना तो इसकी आवाज चेंज करो। लॉजिकली देखा जाए भैया भैया ऐसे अगर बोलेगा ना वहां पर तो तुरंत पकड़ी जाएगा। क्या? तुरंत पकड़ा जाएगी भैया। हाँ लॉजिकली पकड़ा जाऊगू होता है। हाँ ये दे गागू कर रही है यहाँ पर। ओ कुछ बोलो, मैं तो कह रहा हूँ ना अपना मुंह ना बंद रखो। हाँ। सिर्फ वहां जाओ, 070 लाल द्रव्य लेकर आओ। ओ, ओ, एक मिनट देखो वहां पे क्या चल रहा है। वाह चकुड़ी वाह, क्या मस्त मेथी पापड़ की सब्जी बनाई थी तूने, क्या टेस्ट आया मुझे। क्या डाला था बेटा? मेथी और पापड़। चल मैं लीजा के घर जाके। ना घर घर जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं से सबको फोन करके बता देती हूँ ना। अरे मैं क्या सबके घर घर जाके बताऊंगी कि तूने मेथी पापड़ की सब्जी अच्छी बनाई है। क्यों, आप ही तो कहते हैं कि कोई अच्छी खबर हो तो मोहल्ले में फैला देनी चाहिए। अरे मेथी पापड़ की सब्जी अच्छी बनी है वैसी खबर नहीं, तू माँ बनने वाली है। मैं माँ बनने वाली हूँ मितेश मितेश के पापा। चुप चुप, ये भगवान तू पेट में थी तब तेरी माँ ने क्या खाया था। अरे फोन रॉन्ग नंबर। ये भगवान, जाओ जाओ जाओ। हाँ रुको रुको रुको, अरे एक मिनट।
ये पूरा होके कब आ गया? अच्छा ठीक है, रुको रुको। अच्छा सुन, सारे कुशन संभाल के रख दे और बच्चों के रूम में वो जो बकासुर जैसा बड़ा संदूक पड़ा है ना, उससे टकरा टकरा के मेरे पैर की हालत खराब हो गई है। जल्द से जल्द कबाड़ी वाले को बुला और वो संदूक बेच दे। तो बराबर समझ गई? जा जा जा। ये बोलो। रुक रुक रुक। भैया, मैं गया ही नहीं। क्या है बेटा? भाई घोटाला परिवार बहुत अजीब है ना? क्या हुआ? पर रात को 2 बजे मैंने इन्हें कॉलोनी में भटकते हुए देखा। अच्छा? अरे क्या हुआ ये बोलना? क्या हुआ बताना बेटा। हाँ वर्षा, तुम्हारा बहन है ये नहीं कर रहा है तिमी तिमी तिमी। तो मुझे क्यों ऐसा लगा फिर? अच्छा ये कैसी है भाभी? कहाँ है भाभी? आप भाभी? ओ आपने भैरवी नहीं बोला ना, तो मैं सोच में पड़ गई। तेरी किटे ता भैरवी तो बराबर। आप रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रही है 2 बजे रात को यहाँ पे? मैं तो कपड़े का क्लेम ढूंढ रही थी। आप? वो मेरा बड़ा भाई। बड़ा बड़ा पाव। बड़ा पाव? अब हाँ, अब हेमंत का पाव बड़ा है तो हम चप्पल ढूंढ रहे हैं। चप्पल को ढूंढ? चप्पल? ए दोनों चम्मच। हाँ रात के 2 बजे चम्मच तो ढूंढते हैं ना, तो चम्मच चेवड़ा चकली के लिए ऐसे खाया तो चम्मच एक ही गिर गया। तो बरोबर प्रीट, प्रीट, एक बात प्रीट तेरी दोस्त है। हाँ तो बरोबर प्रीत। प्लीज 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 क्लिप। हाय तू ये मुझे अब बता रही है? हाँ बा अभी तो पता है, आपका ध्यान किधर है बा? इस समस्या का हल हम बाद में ढूंढ लेंगे, ये टेंशन नहीं है। भैरवी मैं जरा लीजा की काम वाली को बुला के लेके आती हूँ। बेटा अभी जाओ। चाचा सुनो सुनो, वहां पे मुंह मत खोलना। हाँ चुपचाप जाना, 070 लाल द्रव्य लेकर आ। ओ जाओ 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 कर। अरे ये कर रहा है, जाना गायब होना।